और वहीं चीन में कोरोना के महाविस्फोट से तबाही आ चुकी है, लेकिन चालबाज चीन कोरोना से हो रही मौत पर भी पर्दे डालने की कोशिश में है और दुनिया से आंकड़े छिपा रहा है। चीन की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों में मौतों की संख्या में बड़ा गोलमाल है। यही वजह है कि WHO ने चीन से कोरोना पर रिपोर्ट इस वक्त तलब कर ली। चीन आंकड़ों को छिपा रहा है, ये कहने की जरूरत WHO को इसलिए पड़ी क्योंकि आंकड़े देखकर लगता ही नहीं कि चीन की हालत खराब है, जबकि चीन के ही लोग वहां के सोशल मीडिया पर दर्दनाक वीडियो डाल रहे हैं। चीन के हालात पूरी दुनिया को डरा रहे हैं। पूरी दुनिया के मन में सवाल उठ रहा है कि अगर कोरोना से मौत नहीं हो रही तो चीन के कब्रिस्तानों के बाहर लाइन क्यों लग गई? जिन लोगों के शवों के वीडियो सामने आए उनकी मौत की वजह क्या है? इस बार चीन को चेतावनी दी गई कि अगर सही आंकड़े नहीं दिए गए तो WHO को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि पहले ही अनुमान जताया जा रहा था कि 2023 में कोरोना को हेल्थ इमरजेंसी की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन 2023 आने के पहले दुनिया को एक बार फिर से कोरोना वायरस का डर सताने लगा। इस बीच वो फॉर्मूला भी पता चला जिसकी वजह से चीन में कोरोना से लोगों की मौत नहीं होती, क्योंकि चीन के ही एक डॉक्टर ने बताया कि WHO के नियमों को चीन नहीं मानता। चीन के उस डॉक्टर के बयान को दुनिया भर के अखबार और वेबसाइट प्रमुखता से छापने लगे। नई जानकारी ये पता चली कि कोरोना से होने वाली मौत के लिए चीन ने बेहद सख्त नियम बनाए हैं। मौत के बाद मरीजों के फेफड़ों की जांच के नियम है। जांच से पता चलता है कि शरीर में कोरोना वायरस था या नहीं था। इस वक्त तो चीन में लोगों के शव रखने की भी जगह नहीं है, तो शवों की जांच का सवाल ही पैदा नहीं होता। यही वजह है कि WHO चीन पर बुरी तरह भड़का हुआ है, क्योंकि मौत की गिनती के लिए पूरी दुनिया जिन नियमों का पालन करती है वो इससे बिल्कुल अलग है। कोरोना पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपडेट कर रहे हैं कि केंद्र सरकार कोरोना पर लोगों को अवेयर करने के लिए मंगलवार को पूरे देश में एक साथ मॉक ड्रिल करने जा रही है। बिल्कुल, जानकारी मिल पा रही है कि राज्य सरकारों को मॉक ड्रिल के लिए कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया खुद अस्पताल जाकर मॉक ड्रिल को देखेंगे। ऑनलाइन सुरक्षा सभी के लिए जरूरी है, भले ही आप कितने भी तकनीक एक्सपर्ट हो या आपने हाल ही में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना शुरू किया हो। सुरक्षा उपायों का पालन करने की जरूरत समान है। उत्तर प्रदेश के बरेली के राजकुमार खंडेलवाल एक बैंकर थे, लेकिन वो जालसाजी के झांसे में फंस गए और ठगी का शिकार हो गए।